मुरादाबाद की एक सामाजिक संस्था जज्बा एक सोच कल्चरल सोसाइटी के बैनर तले 14 जुलाई को एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुरादाबाद के साथ साथ अन्य जनपदों के प्रतिभागी भी अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए मुरादाबाद के जिगर विहार कॉलोनी स्थित जैन एफ के केबल नेटवर्क कार्यालय पर इन दिनों 3 दिवसीय ऑडिशन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से आने वाले प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और बेहतरीन अंदाज में अपनी आवाज के जादू को बिखेरा जा रहा है। इस ऑडिशन में प्रतिभाग कर अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को गायन प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। जाने ये कैसा नाता है मन का, बिन डोर के बांधे हैं, हो रब से दुआ सवेरे महबूब को मांगे हैं, कह रहा है सफर आई वो नजर, गुजर जाएगा लम्हा इंतजार का, आगे आगे चाहत चली पीछे पीछे की चल पड़ा, कैसे भला रोकूं किसे, ये तो है दीवाना बना, बेबुदी जाने ना कुछ वहां माने ना, हर धड़कन कहे ये जादू है प्यार का, आगे आगे चाहत चली। तुम्हें अपना बनाने की
सिंगिंग कंपटीशन की तैयारी में जुटी आवाज़ के जादूगर रफत खान मुरादाबाद से जब इस बारे में बात की गई, तब उन्होंने बताया कि हम ऐसे युवाओं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं जो कलाकार अपनी आवाज़ को बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं। हमारी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित करने के साथ साथ उन्हें आगे बढ़ाने का एक मंच भी दिया जाएगा ताकि वो हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर सके। हमारी संस्था है जज्बा, एक नई सोच कल्चरल सोसाइटी रजिस्टर्ड, और इसमें हम सभी तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। अभी पिछले दिनों हमने आई कैंप लगाए थे जिसमें हमने करीब 100-150 पेशेंट आए थे हमारे, इसमें डॉक्टर ए के गोयल हमारे मुरादाबाद के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा करीब 100 से 150 मरीजों को हमने बिल्कुल निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क चेकअप कराया था। इस तरह के हम प्रोग्राम करते रहते हैं। इसमें थोड़ा सा हमने, क्योंकि कल्चरल सोसाइटी है, इसमें थोड़े से इस तरह की एक्टिविटी भी करते रहते हैं, जिसमें हमारे द्वारा एक सिंगिंग कंपटीशन करा रहे हैं हम लोग, वॉइस ऑफ यूपी, जिसमें काफ़ी बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है। और ये आज क्या फायदा, अभी तो इसका ऑडिशन चल रहा है, 6, 7, 8 जुलाई तक इसका ऑडिशन रहेगा और 14 तारीख को इसका ग्रैंड फिनाले फाइनल होगा। तो जो भी इसके हमने 3 भाग किए हैं, 5 साल से लेकर 17 साल तक, और 17 से 30 और 30 के ऊपर। हमारा जो उद्देश्य है कि जो हमारे महानगर की प्रतिभाएं हैं जिन्हें एक मंच नहीं मिल पाता है, उनको हम एक मंच दे रहे हैं, स्टेज दे रहे हैं, ताकि जो हमारे महानगर की ऐसी प्रतिभाएं हैं जो छुपी हुई हैं और उनके अंदर एक कलाकारी है, उनके अंदर एक जागरूकता है, उनको हमें जागरूक करना है और उन्हें एक बड़ा स्टेज देना है इस माध्यम से। ऑडिशन कहाँ चल रहा है? ऑडिशन हमारा डैन एफ के केबल नेटवर्क, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसमें हमारा डैन एफ के केबल नेटवर्क के जो MD हैं फिराज़ खान साहब, उनका बहुत भरपूर सहयोग रहा है। उन्होंने बिल्कुल निःशुल्क हमें किसी भी बिना चार्ज के अपना हमें पूरा ऑफिस दिया, अपना स्टूडियो दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और इसके अलावा 14 तारीख को जो ऑडिशन था, इसके लिए उन्होंने अपना फार्म हाउस भी हमें दिया है, लेकिन थोड़ा सा बच्चे वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, थोड़ा दूर है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि वो ग्रैंड फिनाले जो है वो कंपनी बाग के एकता द्वार के बराबर में जो स्वतंत्रता सेनानी भवन है, ग्रैंड फिनाले वहाँ कराएंगे। आपका ऑडिशन कितने दिन तक चलेगा? ये 3 दिन रहेगा, 6, 7, 8 जुलाई। जो बच्चे भाग लेना चाहते हो तो यहाँ पहुँचे? जी जी बिल्कुल, डैन एफ के केबल से आकर यहाँ संपर्क कर सकते हैं।